आदाब, मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ फजलुल मुबीन। सोशल मीडिया पर आज एक तस्वीर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर में ये दावा किया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद के बदले दिए गए ज़मीन पर बाबरी हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिसे काफ़ी तेज़ी के साथ ट्विटर और फेसबुक पर शेयर किया जा रहा है। साथ ही इस फैसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुबारकबाद भी दिया जा रहा है। क्या है इस तस्वीर की सच्चाई, क्या है इस खबर का सच, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। वायरल फोटो में ये दावा किया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद के बदले दिए गए ज़मीन पर बाबरी हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, जिस पर सोशल मीडिया के ज़रिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। हालांकि जब मिल्लत टाइम्स ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी एडवोकेट जफरयाब जीलानी से बात की तो उन्होंने इस तस्वीर का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से अभी तक किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है और न ही मस्जिद के बदले कोई ज़मीन ली गई है। सुनिए क्या कहा एडवोकेट जफरयाब जीलानी ने। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जफरयाब साहब से बात हो रही है? जी हाँ, बोल रहा हूँ। जी मैं फजलुल मुबीन बात कर रहा हूँ मिल्लत टाइम्स से। जी बता। वो एक सोशल मीडिया पर, खास तौर से फेसबुक पर, एक फ़ोटो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को जो ज़मीन दी गई थी, देख लीजिए उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड का नाम है, पर्सनल लॉ बोर्ड का इस जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड 15 मई को ये फैसला कर, 15 नवंबर को ये फैसला कर चुका है, आमला के जरिए अनाउंस कर चुका है, दर्जनों मरतबा उसने अनाउंस किया है कि वो मस्जिद के बदले में कोई जमीन नहीं ले सकता है। ये वक्फ एक्ट के भी खिलाफ है और शरीयत के भी खिलाफ है, लिहाजा ये जमीन पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं ली है। साथ ही बाबरी हॉस्पिटल के नाम से एक फ़ोटो को वायरल किया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि बाबरी हॉस्पिटल इसी डिज़ाइन का होगा, जो कि वायरल तस्वीर झूठी है। असल में ये तस्वीर अमेरिका के वर्जीनिया शहर के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का है, जिसे बूम नामक वेबसाइट ने अपने फैक्ट चेक में पाया है। इस खास रिपोर्ट के साथ फजलुल मुबीन को दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।